नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एजिटी चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज ऑफ बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स। हमारी जो मुर्गियां हैं, हमारे जो चूजे हैं, इनको एक वायरल इन्फेक्शन होती है, जस्ट लाइक कोरोना। जैसे कोविड का वायरस है, हमने सुना वो आरएनए जीनोम होता है, ऐसे ही एक वायरस है न्यूकैसल वायरस। इसको न्यूकैसल डिजीज भी बोलते हैं, न्यूकैसल डिजीज वायरस भी बोलते हैं, एनडीवी ये नाम है। ये भी एक आरएनए जीनोम वायरस है जो कि हमारी पोल्ट्री बर्ड्स को काफी इफेक्ट करता है। शुरुआत होती है सिंपल इन्फेक्शन से, फीवर से, मलेस से, थकावट से, डायरिया से, और बढ़ जाती है बात एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज तक, जिसमें कि एकदम से ही बर्ड की डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो है न्यूकैसल डिजीज, इसको रानी खेत भी बोलते हैं। रानी खेत में ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको लगता है आपके बर्ड को कोई डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो रहे हैं, या वो सुस्त सा हो रहा है, उसको सभी बर्ड से अलग कर दो, क्योंकि ये इन्फेक्टेड बर्ड के थ्रू बहुत जल्दी फैलता है। उससे जल्दी फैलता है ये उसके फीकल मैटर से, या फिर उनके जो फूड और ड्रिंक्स हैं उनके थ्रू। जैसे ही हमने उस इन्फेक्टेड बर्ड को अलग कर दिया, एक तो उसके फीसिस अलग हो जाएंगे, उसके खाने पीने की चीजें अलग हो जाएंगी, तो हमारे दूसरे बर्ड्स उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे और इन्फेक्शन नहीं होगी। और इस चीज को और ख्याल रखना है कि भी जब हमारा बर्ड ठीक भी हो जाता है, उसके बाद भी उसको क्वारंटाइन रखना पड़ेगा अंडर सन, या फिर उसको थोड़ा डिहाइड्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस यूवी रेज जो सन की है उससे भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब जब बर्ड ठीक हो गया तो हमें उसको क्वारंटाइन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये वायरस आपके बर्ड के पंखों में भी हो सकता है, आपके मैन्योर में भी हो सकता है, और वार्म टेम्परेचर जहां पे गर्मी है वहां पे भी ये सरवाइव कर जाता है। इसलिए क्वारंटाइन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पोल्ट्री को बचाना चाहते हैं तो रानी खेत के ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, हाईली वेंटिलेशन हो, कहीं पे गर्मी ना हो, क्वारंटाइन रूम अलग से हो, जो मैन्योर आप डालते हैं, जो फीसिस आप यूज कर रहे हैं उनमें स्टरलाइजेशन हो, वो इन्फेक्टेड बर्ड्स के ना हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आ जाती है रानीखेत जो वायरल डिजीज है, इससे बचने का क्या तरीका है, जब हो गई है तो क्या किया जाए। वायरल डिजीजेस की एज सच आपको पता है दवाइयां बहुत कम हैं या ना के बराबर है। होम्योपैथी में एक्सेल फार्मा ने एक ये ई रानीखेत नाम का मेडिसिनल कॉम्बिनेशन बनाया है, जो आपकी पोल्ट्री बर्ड्स को काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसमें उन दवाओं का मिश्रण है जो कि वायरल डिजीजेस से लड़ने में हेल्पफुल हो सकती हैं, आपके बर्ड की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। आप इनको, इसकी डोजेज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भी जैसे 1 लीटर पानी में आप 10 ml डाल के आपने बर्ड्स को कलेक्टिवली दे सकते हैं। अगर आप सुबह दोपहर शाम देते हैं तो हमने देखा है ये एज ए प्रिवेंटिव भी काम करती है। और अगर आपके बर्ड्स को रानीखेत डिजीज हो गई है तो आप उनको अलग से ये 1 लीटर में जो 10 ml की डोजेज है ये प्रिवेंटिव यूज हो सकती है। अगर हो गया है तो 100 ml वाटर में उनको 10 ड्रॉप्स डाल के दें और हर 2 घंटे में पानी को चेंज करते रहें, ताकि जो इन्फेक्शन पानी में गई है उसी से री इन्फेक्शन ना हो और बर्ड्स इफेक्टेड ना हो। नया पानी रखेंगे, नई डोजेस डालेंगे तो उसकी अलग एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा।
तो दोस्तों अपने बर्ड्स को, अपनी पोल्ट्री को बचाने में आप रानीखेत की मदद ले सकते हैं। ई रानीखेत डॉप्स, इसको ई वेट नंबर 27 भी कहते हैं। एक्सेल फार्मा ने ये आपकी पोल्ट्री को ध्यान में रखते हुए इसकी कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन किया है और ये आपकी पोल्ट्री के काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे हम जो वेटनरी सेक्शन में आपके पेट्स, आपकी पोल्ट्री और आपके पशुओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे, उनकी बीमारियों को डील करने की जो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल हो और अपने पशुओं की, अपने पेट्स की, अपनी पोल्ट्री की आप ठीक तरह से देखभाल सकें। धन्यवाद। नमस्कार।